हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। बालूशाही खाने में बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसे बहुत आसानी से घर में ही बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक कटोरी चीनी ले ली है। अब इसमें आधी कटोरी पानी डाल के हम चाशनी बनाते हैं एक तार की। ये देखिए दोस्तों, चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए लास्ट वाली ड्रॉप जब गिरती है तो उस एक तार छोड़ती है, उसकी पहचान ऐसे होती है। इसमें हमने इलायची पाउडर और केसर डाल दिया है। केसर और इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालिए, नहीं हो तो मत डालिए, सिर्फ इससे स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक कप मैदा ली है। अब इसमें आधी से कम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें अंदर ही हम घी डालेंगे। घी मैंने दो बड़े चम्मच लिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, घी हमने मिला लिया है। घी की पहचान कैसे करनी है, ये देखिए मुट्ठी बननी चाहिए घी लगा के मैदे में। देखिए ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए। अब इसमें दो चम्मच हमने दही लिया है, वो डालते हैं। ये देखिए ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी की सहायता से इसको गूंथ लेंगे। याद रखिए दोस्तों, हमें मैदे को सिर्फ बाइंड करना है, इसको मसल मसल के गूंथना नहीं है, बाइंड करना है बस। ये देखिए हमारा डो बालूशाही का रेडी हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद में बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और हमारा डो बिल्कुल सेट होके तैयार हो गया है। आइए अब इसकी बालूशाही बनाते हैं। थोड़ा सा तोड़ लिया है हमने इसको। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बाद में फूल के बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसलिए हम बहुत छोटी सी ले रहे हैं। दबाइए और ये देखिए बालूशाही की शेप देंगे। ऐसे ही सभी की कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक कढ़ाई में हमने देसी घी लिया है। आप जिसमें भी बनाना चाहें, तेल लें या रिफाइंड लें, जो भी कुछ, हमने घी लिया है। इसे बिल्कुल हल्का गर्म करना है और तभी डालने हैं बालूशाही को। हम बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे, डाल देंगे। बिल्कुल स्लो आंच रखनी है दोस्तों, इसे धीमे धीमे पकने देना है। ये देखिए दोस्तों, ये अभी सिकी नहीं है, लेकिन देखिए फूल के काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और इसमें कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। स्लो आंच पे ही पकाना है हमें इसे। मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों, ये प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बालूशाही सिक के तैयार हो गई हैं। अब इसमें चाशनी में डिप करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने चाशनी में डाल दिए हैं, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बालूशाही हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है बन के। ये देखिए हमें इसे थोड़े से काजू से और बादाम से सर्व कर दिया है। खाने में बहुत रसीली है दोस्तों, ये आप किसी भी त्यौहार पे, रक्षाबंधन पे, किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आप ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय दोस्तों।